हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक, दैट इज ओड टू अ बटरफ्लाई. दिस इज अ पोयम, इट्स एन ओड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओड? ओड इज एन इलेबरेटली स्ट्रक्चर्ड पोयम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली. इन सिंपल वर्ड, इट इज अ टाइप ऑफ पोयम. ओड इज अ टाइप ऑफ पोयम वेयर यू praise or glorify the subject you have taken. That's it and nothing else. Ode का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब कभी भी कोई subject आप लेते हो, वो subject कोई से भी हो सकती है. It can be a living thing, it can be a non-living thing, it can be a natural phenomena or natural factor, कुछ भी हो सकता है. But what you are doing basically is you are praising or glorifying that subject. बस अब जिस भी पोएम में किसी एक चीज़ को ग्लोरीफाई करते हो या प्रेज करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसको ओड कहा जाता है. एंड दिस पोएम इज ऑल्सो एन ओड. एंड द नेम ऑफ दिस ओड इज ओड टू अ बटरफ्लाई. एंड दैट मीन्स वी आर प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग बटरफ्लाई एज अ सब्जेक्ट हियर. एंड दिस पोएम इज रिटन बाय थॉमस वेंटवर्थ हिगिन्सन. ओके, नाउ द पोएट हियर हैज प्रेज द ब्यूटी ऑफ द बटरफ्लाई. And poet admires and wonders of its natural beauty. Poet called the butterfly a spark of life. Here, poet has called this butterfly as a spark of life. मतलब life का एक symbol है, life के लिए एक spark की तरह है, ठीक है, एक स्रोत की तरह है butterfly. इस तरीके से butterfly को treat किया है poet ने यहाँ पे. They are loved by the children. This butterfly are the things that children loves to see or chase. ठीक है, दिस इज वॉट द पोएट इज हैज सेड हियर इन दिस पोएम. पोएट हैज टेकन बटरफ्लाई एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. ठीक है, सिंबल ऑफ फ्रीडम की तरह भी पोएट इस चीज़ को, बटरफ्लाई को देखते हैं. बिकॉज बटरफ्लाई कहीं भी किसी भी वक्त जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, वो फ्लाई कर सकता है कहीं भी कहीं और अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने विश के हिसाब से. एंड दैट इज वाई पोएट इज टेकिंग दिस बटरफ्लाई एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. पोएट कॉल्स इट्स colorful feathers or बोलना चाहिए wings as it is drawn from the heaven. वो बोलते हैं कि ये जो colorful wings होती हैं butterflies की, ये heaven से आई हैं, मतलब स्वर्ग से आई हैं. इनके जो colors हैं ये स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से मिलते हैं इनको. And poet says that the butterflies are the good example of being patient and content in self. Poet ये बोलते हैं कि butterfly जो है वो एक बहुत ही अच्छा example है अपने आप में जो सेटिस्फाइड रहना या सब्र रखना जो होता है, वो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बटरफ्लाई. बिकॉज बटरफ्लाई हमेशा पेशेंट होता है और कंटेंट होता है खुद से. ठीक है, और इस चीज़ को ह्यूमंस को इस बटरफ्लाई से सीखना चाहिए. तो इन द लास्ट स्टैंजा पोएट इज सेइंग दैट फिलोसफिकली दैट बटरफ्लाई इज अ सिंबल ऑफ होप एंड इट गिव्स द ह्यूमन बींग्स अ एस्पिरेशन फॉर गोइंग ऑन एंड ऑन. ठीक है, एंड ही सेज व्हेन अ पर्सन डाइज, जब पर्सन की डेथ होती है तब उसका जो सोल होता है वो बटरफ्लाई की तरह ही फ्री हो जाता है और ऊपर उठता है. ठीक है, तो ये बेसिकली पोएट यहाँ लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं. ठीक है, एंड इलेबरेटली विल बी सीइंग इट इन स्टैंजा बाय स्टैंजा फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स. द फर्स्ट स्टैंजा, दाउ स्पार्क ऑफ लाइफ दैट वेवेस्ट विंग्स ऑफ गोल्ड, thou songless wanderer mid the songful birds, with nature's secret in thy tint unrolled, through gorgeous cipher past the reach of words, yet dear to every child, in glad pursuit beguiled, living his unspoiled days mid flower and flocks and herds. In this stanza, poet is basically saying that this, you are a spark of life. Thou means you. Thou का मतलब you होता है. Thou means you. Here poet, you here is referred to butterfly. Butterfly is the spark of life. You are the spark of life. And your wings seems like it is made up of gold. ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी जो वो वेव करती हुई जो विंग्स हैं वो गोल्ड से बनी हुई हैं, ऐसा लगता है देखकर. Thou songless wanderer and mid the songful birds. बोलते हैं कि यू आर अ सॉन्गलेस वॉन्डरर. सॉन्गलेस मतलब कि
जो तुम्हारी जो वॉन्डर मतलब कि घूमना इधर उधर, जब वो घूमता है तो उसकी शरीर से उसके उसके बॉडी से कोई आवाज़ नहीं आता, कोई साउंड नहीं आता. एंड दिस इज वाई पोएट इज सेइंग हियर सॉन्गलेस वॉन्डरर, द बटरफ्लाई इज अ सॉन्गलेस वॉन्डरर, इट एंड इट इज मूविंग इन बिटवीन द सॉन्गफुल बर्ड्स. सॉन्गफुल बर्ड्स का मतलब यहाँ पे है द बर्ड्स विच आर ट्विटरिंग. तो जो बर्ड्स होते हैं जनरली आवाज़ करती रहती हैं, कुछ ना कुछ आवाज़ करती हैं, बट बटरफ्लाई आवाज़ नहीं करते. तो बटरफ्लाई आर मूविंग इन बिटवीन द बर्ड्स विथ नेचर सीक्रेट इन दाई टिंट्स अनरोल्ड थ्रू गॉर्जियस साइफर पास द रीच ऑफ द वर्ड्स. यू आर होल्डिंग द नेचर सीक्रेट इन योर विंग्स थ्रू दोज गॉर्जियस कलरफुल विंग्स. ठीक है, तो पॉइंट आप बोलते हैं कि तुम जो हो वो नेचर के बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो अपने अंदर छिपा कर रखते हो अपने विंग्स के थ्रू. अपने विंग्स में जो टिंट्स हैं तुम्हारी, टिंट्स मतलब जो कलरफुल डॉट्स होती हैं बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर, उनको यहाँ पे टिंट्स बोला गया है. तो ही सेज कि जितने तुम्हारे जो बर्ड जो सीक्रेट्स हैं वो जितने भी हैं वो कोडेड होते हैं, मतलब साइफर, साइफर मतलब होता है कोड होना, इस सीक्रेट कोड, वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं. एंड इन इन गॉर्जियस साइफर के थ्रू ही जो नेचर्स के सीक्रेट हैं वो तुम्हारे पंखों में उन टिंट्स में छिपे हुए होते हैं. ठीक है, और ये समझे नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर से देख कर समझे नहीं जा सकते हैं. दैट इज द पास्ट द रीच ऑफ द वर्ड्स. ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये वर्ड्स से अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. एंड दैट इज वाई, बिकॉज दैट इज वाई दे आर साइफर, दे आर सीक्रेट कोड्स. और ये जो सीक्रेट कोड्स होते हैं ये गॉर्जियस होते हैं और नेचर के सीक्रेट्स इन्हीं में छिपे हुए होते हैं, इनके टिंट्स में. ठीक है, येट डियर टू एवरी चाइल्ड. टेन पॉइंट सेज कि इसके बावजूद भी तुम सभी चाइल्ड्स के लिए डियर हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय हो, सभी चाइल्ड्स में पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं. ठीक है, एंड इन ग्लैड परस्यूट बी गाइड एंड दे ग्लैडली दे हैप्पीली परस्यूट यू. परस्यूट का मतलब होता है खोजना, वो तुम्हारे पीछे भागते हैं, तुम्हें चेज करते हैं. ठीक है, परस्यूट का मतलब होता है खोजना, टू फाइंड. एंड बीगाइल्ड मीन्स चैंटेड, मतलब या फिर अट्रैक्टेड हो जाना. ठीक है, तो वो तुमको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होकर तुम्हें खोजते हैं, तुम्हारे पीछे भागते हैं खुशी से. ठीक है, एंड वेन यू आर लिविंग इन द अनस्पॉइल्ड डे, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा दिन है और उसमें तुम रहते हो किसके, फ्लावर्स के बीच में, बर्ड्स के बीच में, शीप्स के बीच में और बहुत सारे दूसरे दूसरे एनिमल्स के जो ग्रुप होता है उसमें तुम रहते हो. ठीक है, तो बेसिकली अगर पूरे स्टैंजा को एक साथ बोला जाए तो ये है इसका मतलब कि सीधा सीधा पॉइंट बोलते हैं कि यू आर ए स्पार्क ऑफ लाइफ एंड योर विंग्स आर सीम्स लाइक दैट इट दे आर मेड अप ऑफ गोल्ड. यू ऑलवेज वॉन्डर सॉन्गलेसली, मतलब कि बिना किसी साउंड के तुम वॉन्डर करते हो इन बिटवीन द सॉन्गफुल बर्ड्स, मतलब ऐसे बर्ड्स जो आवाज़ कर रहे हैं उनके बीच में तुम घूमते रहते हो. तुम्हारे जो पंख पे जो डिज़ाइंस बने हुए हैं, जो टिंट्स बने हुए हैं, जो डॉट्स हैं, ठीक है, वो एक तरह के गॉर्जियस साइफर हैं जिसमें नेचर के सीक्रेट छिपे हुए हैं. चाइल्ड्स तुम्हें, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारे आगे तुम्हारे पीछे भागते हैं, तुम्हें खोजते हैं, तुमसे अट्रैक्टेड हैं और तुम इन सब के बीच में एक अनस्पॉइल्ड डे के में फ्लावर्स के बीच, फ्लॉक्स के बीच और हर्ड्स के बीच में रहते हो. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट इज बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द बटरफ्लाई. ठीक है, इन द सेकेंड स्टैंजा, दाउ विंग्ड ब्लॉसम लिबरेटेड थिंग्स व्हाट सीक्रेट टाई बाइंड्स दी टू द अदर फ्लावर्स स्टिल हेल्ड विद इन द गार्डन्स फॉस्टरिंग. ओके, तो इन दिस स्टैंजा पोएट इज सेइंग यू आर फ्री टू फ्लाई विथ योर कलरफुल विंग्स. पोएट बोलते हैं कि तुम फ्री हो अपने कलरफुल विंग्स के साथ उड़ने के लिए. ठीक है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हें कोई कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई जंजीर नहीं है. यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर एनीथिंग एंड यू आर लिबरेटेड, यू आर फ्री एंड यू कैन फ्लाई एनीवेयर यू वांट. ठीक है, विद बट व्हाट इज द सीक्रेट दैट बाइंड्स यू टू द अदर फ्लावर्स. लेकिन इसके बावजूद कि तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, समझ में नहीं आता कि वो क्या सीक्रेट है जो तुम्हें इन फ्लावर्स से जोड़ता है जो गार्डन में है. ठीक है, मतलब द फ्लावर्स, यहाँ पे गार्डन्स फॉस्टरिंग का मतलब क्या है, इन द प्रोटेक्शन ऑफ गार्डन्स. ठीक है, तो गार्डन में जो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे फॉस्टरिंग का मतलब जैसे मैंने नीचे लिखा है, तो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन. ठीक है, तो जो गार्डन्स फॉस्टरिंग में जो फ्लावर्स हैं, मतलब गार्डन में जो फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स से तुम्हें क्या ऐसा सीक्रेट है जो तुम्हें जोड़ता है, मतलब कहने का ये है कि तुम्हारे और उस फ्लावर्स के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दोज फ्लावर्स. ठीक है, बिकॉज आपने देखा होगा इन नेचर की आप जो बटरफ्लाइज होती हैं उनसे फ्लावर्स के आसपास घूमते रहती हैं. ठीक है, फ्लावर्स के आसपास मंडराती रहती हैं, उसी के ऊपर होती रहती हैं. तो
उसी इमेजरी को यहाँ पे यूज़ किया गया है. पोएट इज बेसिकली आस्किंग अ क्वेश्चन कि जो आपके बीच में जो एक सीक्रेट रिलेशन है उसका रीजन क्या है, दैट इज व्हाट द पोएट इज हियर आस्किंग. विल दे टू सोर विद द कंप्लीटेड आवर्स टेक फ्लाइट एंड बी लाइक दी रिवोकेबली फ्री hovering at will over their parental bower. Here poet is saying that will those flower also fly with you when the time comes and they would be avoidably free and they would fly above the garden. ठीक है, तो पॉइंट आप बोलते हैं कि क्या वो जो फ्लावर्स जो तुम जिनके आसपास तुम रहते हो, जिनसे तुम्हारा कोई सीक्रेट रिलेशन है, ठीक है, क्या वो फ्लावर्स भी तुम्हारे साथ ही ऊपर उड़ जाएंगे जब तुम यहाँ से चले जाओगे, ठीक है, जब समय आ जाएगा, क्या वो फ्लावर भी तुम्हारे साथ ही उड़ जाएंगे और वो तुम्हारे साथ ही उड़कर एक रिवोकेबली फ्री हो जाएंगे. इरिवोकेबली मतलब अनएवॉइडेबली, एक बार जो चीज़ हो गया वापस फिर से वो चीज़ उसको दोहराया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल. तो वो बोलते हैं पोएट कि एक बार जो वो फ्लावर्स हैं वो क्या तुम्हारे साथ ही उड़ के वापस कहीं चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और वो गार्डन के ऊपर में ही ऊपर घूमते रहेंगे जैसा तुम घूमते हो, ठीक है, एंड दे विल बी इरिवोकेबली फ्री लाइक यू. जो फ्लावर्स हैं वो भी क्या तुम्हारे जैसे ही इरिवोकेबली फ्री हो जाएंगे, वो भी क्या तुम्हारे जैसे ही इस ग्राउंड के ऊपर में, इस गार्डन के ऊपर में घूमते रहेंगे. तो दिस इज व्हाट द पोएट इज हियर आस्किंग इन द सेकंड स्टैंजा. ठीक है, देन थर्ड स्टैंजा. और इज दाई लस्टर ड्रॉन फ्रॉम हेवनली ह्यूज एज सम्प्टस ड्रिफ्टिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्काई कॉट वेन द सनसेट इट्स लास्ट ग्लैंस इम्ब्यूज विद अ सडन स्प्लेंडर एंड द ट्री टॉप्स हाई ग्रैस्प दैट स्विफ्ट ब्लेजनरी देन लैंड दोज टिंट्स टू दी ऑन दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर्स एंड डाई. हियर पोएट इज आस्किंग अबाउट द लस्टर. लस्टर मीन्स होता है चमक, जो साइन होता है बटरफ्लाई के जो पंखों में जो साइन होती है, चमक होता है, ठीक है, उस लस्टर के बारे में पोएट पूछते हैं कि वो लस्टर वो तुम्हें कहाँ से मिला, वेयर फ्रॉम यू गॉट दोज लस्टर्स ऑन योर विंग्स. ठीक है, द पोएट इज हियर सेइंग कि व्हाट अबाउट द लस्टर दैट यू हैव एंड आर दे कम फ्रॉम दे आर दे कमिंग फ्रॉम द हेवनली कलर्स और हेवन्स कलर. ठीक है, आर दे कमिंग फ्रॉम द हेवनली कलर्स और हेवन्स कलर, क्या वो हेवन से आ रहे हैं, तुम्हें कलर मिल रहे हैं. ह्यूज का मतलब होता है कलर, ठीक है, ह्यूज मीन्स कलर. तो क्या वो जो कलर तुम्हें मिल रहे हैं वो हेवन से मिल रहे हैं. ठीक है, इट सीम्स लाइक दैट द लेविस फ्रेगमेंट दे लाइक द लेविस फ्रेगमेंट ऑफ द स्काई गेट्स कॉट एट द सेटिंग सन इन यू. ऐसा लगता है कि जो जो जब शाम का समय होता है तो ऐसा लगता है कि जो नेचर का जो कलर है वो फेड हो रहा है, बिकॉज शाम हो गया, अब सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो नेचर का कलर है वो फेड हो रहा है. तो पॉइंट आप बोलते हैं कि क्या वो जो नेचर का कलर है सनसेट के समय जब वो फेड हो रहा है, तो क्या वो कलर तुम्हारे विंग्स में आ रहा है, स्काई में से बाहर निकल कर वो तुम्हारे स्किन में आ रहा है, इट इज़ ड्रिफ्टिंग इन योर स्किन विंग्स. ठीक है, दैट इज़ वॉट पोएट इज हियर सेइंग कि वो जो कलर है, जो इस नेचर का कलर होता है, ठीक है, वो कलर को ही नेचर के कलर को ही हेवन का हेवन्स का कलर कहा गया है यहाँ पे. तो नेचर का जो कलर है क्या वो ड्रिफ्ट होकर तुम्हारे विंग्स में आ रहा है फ्रॉम द स्काई, है ना, एंड ही सेइंग दैट दोज कलर्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्काई. ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्काई हैं जो शाम के समय में जो कलर नेचर से फेड हो रहा है वो क्या तुम्हारे स्किन में तुम्हारे विंग्स में आ रहा है. ठीक है, तो कॉट वेन द सनसेट एट लास्ट ग्लांस इन व्यूज विथ सडन स्प्लेंडर एंड द ट्री टॉप्स हाई ग्रैस्प दैट स्विफ्ट ब्लेजनरी. और उस समय जो देखने का जो उस समय जो सीनरी होता है, जब आप उस समय देखोगे सनसेट को, तो यू विल सी अ सीनरी. वहाँ पे यार सनसेट का जो सीनरी होता है बहुत ही अच्छा होता है देखने में, सूरज डूब रहा है एंड जो एनवायरमेंट होता है बहुत ही गोल्डन येलोइस कलर का होता है. ठीक है, तो उस सीनरी के बारे में पॉइंट आप बोल रहे हैं कि दैट सीनरी इज वेरी स्प्लेंडर, इट्स वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी, है ना, स्पेशली वेन यू सी द ट्री टॉप्स हाई. ठीक है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेजनरी. ब्लेजनरी मतलब सीनरी, इट्स अ काइंड ऑफ सीनरी और डेकोरेशन बोलना चाहिए. तो ये जो सीनरी होता है ये एक तरह का ब्यूटी होता है, और इसी ब्यूटी को बचाए रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए कहीं ना कहीं नेचर जो है वो इस बटरफ्लाई के विंग्स को यूज़ करता है. ठीक है, और वे विंग्स के बटर विंग्स के में जो ब्यूटी है वो इसी से आती है. ठीक है, देन लैंड्स दो स्ट्रीम्स टू दी ऑन दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर्स एंड डाई. देन पोएट सेज कि ये जो ब्यूटी होती है नेचर की, ये नेचर अपनी इस ब्यूटी को कुछ समय के लिए बटरफ्लाई को दे देता है. ठीक है, बिकॉज
वो चाहता है कि ये जो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इससे पहले कि ये ब्यूटी वैनिश हो जाए, मतलब रात हो जाए, रात हो जाएगी तो ब्यूटी वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। तो पोएट बोलते हैं कि जो नेचर है वो चाहता है कि जो ब्यूटी है वो थोड़े समय के लिए सही, लेकिन ख़त्म होने से पहले कुछ देर के लिए इस बटरफ्लाई के विंग्स पे रहे, और इस वजह से नेचर जो है अपनी जो सारी ब्यूटी है वो बटरफ्लाई के विंग्स पे क्या करती है, दे देती है उसको, उसको लैंड कर देती है। तो दिस इज़ व्हाट द स्टैंजा इज़ बेसिकली सेइंग। ठीक है, तो ये स्टैंजा बहुत ही इमेजरी है, इमेजरी से भरा हुआ है ये स्टैंजा। इन द फोर्थ स्टैंजा, बर्ड्स हैव देयर नेस्ट्स एंड दे रेयर देयर ईगर यंग एंड फ्लिंट ऑन अराउंड ऑल द लाइफ लॉन्ग डे। ईच फील्ड माउस कीप्स द होमस्टेड व्हेंस इट स्प्रंग, बट दाउ आर्ट नेचर्स फ्री मैन, फ्री टू स्ट्रे unfettered through the woods, seeking thine airy food and the sweetness spiced on every blossomed spray. In this stanza, poet is saying the birds have their own nests and they look after their young ones. ठीक है, तो जो birds होते हैं उनका खुद का अपना एक nest होता है। Birds जो होते हैं, यहाँ पे poet basically birds और mouse से butterfly को compare कर रहे हैं कि how बटरफ्लाई इज फ्री एंड बर्ड्स एंड माउस आर नॉट। ठीक है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे स्टैंजा में पोएट ने बर्ड और माउस को यूज़ किया है। ठीक है, फॉर अ कंपेरिजन बेसिकली। तो बर्ड्स हैव देयर नेस्ट एंड दे रेयर देयर यंगर यंग वंस। रेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, यहाँ पे रेयर का मतलब पालन पोषण करना है। सो पोएट, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने यंग वंस को पालती हैं, उनके यंग वंस को केयर टेक करती हैं। ठीक है, एंड फ्लिंट दे फ्लिट ऑन अराउंड्स ऑल द लाइफ लॉन्ग डे। तो वो कहीं अगर बाहर जाती भी हैं, दे इवन इफ दे गो समवेयर एल्स, अगर थोड़े समय के लिए बाहर जाती भी हैं तो वो वापस शाम तक अपनी जगह में वापस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फूड खोजने के लिए कहीं जाना है, कहीं दूर जाना है कुछ भी करने के लिए, तो वो जाते हैं और जाकर वापस अपनी जगह पर शाम को आ जाते हैं। ठीक है, माउस के साथ भी वैसा ही है। तो बर्ड्स जो हैं वो दे फ्लिट, फ्लिट का मतलब बेसिकली होता है टू फ्लाई और मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट स्टेइंग वेर एवर फॉर एनी वेयर फॉर लॉन्ग। कुछ किसी भी जगह पे आप जाते हो वहाँ पे आप ज़्यादा समय तक रुकते नहीं हो, आप वापस अपनी जगह पे आ जाते हो। तो बर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। अराउंड मतलब होता है शॉर्ट जर्नी, एक छोटा सा जर्नी, जो जब आप किसी काम के लिए कहीं बाहर जाते हो उसको अराउंड कहते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे जर्नी पे बाहर जाते हैं, वापस अपनी जगह फिर से वापस आ जाते हैं। माउस की भी बात अगर करें, जो फील्ड माउस होती हैं वो अपने अपनी घर बनाती हैं कहीं भी, किसी फील्ड में या वुड्स में, एंड दे ऑलवेज कम बैक टू देयर प्लेस अगेन। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। ठीक, जहाँ से वो आते हैं वहीं से वापस, वहीं पे वापस चले जाते हैं। तो माउस के साथ भी वैसा ही होता है। लेकिन फिर आप बोलते हैं पोएट कि बट दाउ मतलब यू, दाउ का मतलब यू बटरफ्लाई, आर्ट नेचर्स फ्री मैन। वो बोलते हैं कि यू आर, यहाँ पे आर्ट का मतलब है आर, ए आर ई, ठीक है आर, तो यू आर नेचर्स फ्री मैन। वो बोलते हैं कि तुम नेचर के फ्री मैन हो। ठीक है, यू आर फ्री, यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, फ्री टू स्ट्रे, मतलब स्ट्रे मतलब तुम कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हो अपने विश के हिसाब से। यू आर अनफेटर्ड थ्रू द वुड्स एंड सीकिंग दाइन एयरी फूड, मतलब यू आर अनफेटर्ड मीन्स तुम्हारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जंजीरें नहीं है। ठीक है, यू हैव नो लिमिट्स, यू आर एक्साइटेडली फ्लाई हियर एंड देयर फॉर फूड एंड दैट इज द स्वीटनेस ऑफ द एयर। तुम्हारा जो फूड है वो क्या है, स्वीटनेस ऑफ द एयर है। ठीक है, स्वीटनेस ऑफ द एयरी फूड, इट्स अ एयरी फूड, मतलब एयर में जो स्वीटनेस होती है, जो स्मेल होती है या फिर जो मॉइस्चर होता है, यू फीड ऑन दोज थिंग्स। तो बोलते हैं कि योर स्वीटनेस इज स्पाइस्ड ऑन एवरी ब्लॉसम डिस्प्रे। ब्लॉसम डिस्प्रे मतलब कि जो फूलों के आसपास जो मॉइस्ट होता है या फूलों का जो मॉइस्चर होता है उसको तुम फीड करते हो और उससे तुम्हारी जो स्वीटनेस है वो और बढ़ जाती है। तुम्हारे खाना का जो स्वीटनेस है, तुम्हारे जो फूड का स्वीटनेस है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, इट गेट्स स्पाइस्ड अगेन। तो इन दिस स्टैंजा पोएट इज बेसिकली इंपॉर्टेंटली सेइंग ही इज कंपेयरिंग द बटरफ्लाई विद द बर्ड्स एंड माउस। तो ये हो गया फोर्थ स्टैंजा। देन द फिफ्थ स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा इज सेइंग द गार्डन वन वाइड बैंक्वेट स्प्रेड फॉर दी ओ डेंटियस्ट रेवलर ऑफ द जॉयस अर्थ। One drop of honey gives satiety. A second draught would drug the past all mirth. Thy feast no orgy sows. Thy calm eyes never close.
thou soberest sprite to which the sun gives birth. Okay. So in this stanza, poet is saying the garden offers the butterfly a meal. A meal of full of flowers and full of fresh airs. ठीक है, जो गार्डन है यहाँ पे बैंक्वेट का मतलब बेसिकली होता है एक, तो बैंक्वेट इज अ प्लेस वेयर पीपल गैदर टू हैव अ फॉर्मल डिनर, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं वहाँ पे खाना खाते हैं. तो बटरफ्लाई के लिए गार्डन ही उसका बैंक्वेट है, वहाँ पे ही उसको सारे खाना मिलता है, जो भी खाना उसको मिलता है. तो गार्डन वन वाइड बैंक्वेट स्प्रेड फॉर दी, जो बैंक्वेट है वो आपके लिए फैला हुआ है, आपके लिए खुला है. किसके लिए? बटरफ्लाई के लिए. एंड द गार्डन इज ऑफरिंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रेश एयर्स. ठीक है, बहुत सारे मतलब प्लेंटी ऑफ मील इज देयर फॉर यू. एंड सी इज अ स्मॉल एंड प्रिटी क्रिएचर हु इंजॉयज दिस पार्टी हैप्पीली. और ये जो छोटा सा जो क्रिएचर है बटरफ्लाई, वो इस पार्टी को, इस डिनर को, क्या बोल सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है. ठीक है, एंड ओनली अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हनी सेटिस्फाइज हर. वो बोलते हैं कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ हनी जो है, वन ड्रॉप ऑफ हनी जो है, वही इसके लिए काफ़ी होता है. सेटिएटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, इट इज सेटिस्फाइड. ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था कि जो बटरफ्लाई होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, वो अपने आप से सेटिस्फाइड होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है. ठीक उसी तरह से ह्यूमन को भी उनसे सीखना चाहिए. दिस इज व्हाट द पोएट इज सेइंग कि एक ड्रॉप ऑफ हनी भी उनके लिए काफ़ी होता है. अगर सेकेंड ड्रॉप उनको देंगे तो वो थक कर वो क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे. इट विल बी लाइक अ ड्रग फॉर देम. तो उनके लिए एक ही जो हनी है वो, एक ही ड्रॉप ऑफ हनी जो है वो काफ़ी होता है, और सेकेंड ड्रॉप ऑफ हनी उनके लिए बिल्कुल भी नीडेड नहीं होता है. ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब है अ फ्लो ऑफ कोल्ड एयर दैट कम्स इनटू अ रूम. ठीक है, तो सेकेंड ड्राफ्ट मतलब एक सेकेंड ड्रॉप ऑफ जो हनी है, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हनी बोल सकते हैं, तो सेकेंड ड्रॉप ऑफ हनी अगर उनको मिलेगा तो इट विल लाइक अ ड्रग फॉर देम, है ना, एंड इट विल मेक देम स्लीप. उनको सोने के लिए मजबूर कर देगा, वो उनको एक तरह से देखा जाए तो आलसी बना देगा, एक तरह से बोलना चाहिए. ठीक है, द फीस्ट नो ऑर्गी सोज, दैट मीन्स शी डजेंट इंजॉय द पार्टी इन वाइल्ड मैनर. दैट मीन्स दे डू नॉट इंजॉय द पार्टी इन अ वाइल्ड मैनर, दैट मीन्स दे डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग दैट इज नॉट नीडेड. एंड दे ऑलवेज बी काम, देयर आइज आर ऑलवेज काम एंड दे आर ऑलवेज सोबर. ठीक है, एंड दे आर स्मॉल फेरी दैट वेक्स अप वेन द सन राइजेस. एंड दे ऑलवेज स्लीप एट द नाइट वेन द सन इज डाउन एंड दे ऑलवेज वेक अप वेन द सन राइजेस. एंड दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट सन गिव्स बर्थ. सन गिव्स बर्थ टू इट मतलब कहने का ये है कि सन को बर्थ देता है, कहने का मतलब बीइंग, जब सन निकलता है तभी वो भी उठता है और बाहर आता है. ठीक है, तो दिस इज वॉट इन द फिफ्थ स्टैंजा इट इज सेड. द सिक्स्थ स्टैंजा, जैसे कि मैंने बोला था सिक्स्थ स्टैंजा इज अ बिट फिलोसॉफिकल. ये जो सिक्स्थ स्टैंजा है ये फिलोसॉफिकल है थोड़ा सा. इसमें पोएट ये बोलते हैं कि एंड येट द सोल ऑफ मैन अपॉन दाई विंग्स फॉर एवर सोर्स इन एस्पिरेशन दाउ हिज एम्बलम ऑफ द न्यू करियर दैट स्प्रिंग्स व्हेन डेथ्स अरेस्ट बिड्स ऑल हिज स्पिरिट बाउ ही सीक्स हिज होप इन दी of immortality, symbol of life, me with such faith and doubt. In this stanza, basically, poet says that when the soul of a man is on the wings of the butterfly, he flies with the with full of hope for the future in aspiration. ठीक है, वो जो soul होता है वो wings के, butterfly के wings पे बैठ के उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है और वो hope से भर जाता है, future के लिए सोचता है. ठीक है, when and she represents a new life, और जो butterfly है वो नए life को represent करता है, नए career को represent करती है, and that will never end. और ये जो होता है ये कभी भी end नहीं होगा, बिकॉज बटरफ्लाई हमेशा इमॉर्टल है, वो जो फ्रीडम है वो हमेशा इमॉर्टल है. ठीक है, वो जो होप है वो हमेशा इमॉर्टल है. इमॉर्टल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा जिंदा रहता है. ठीक है, एंड हियर पोएट इज सेइंग दिस बटरफ्लाई इज अ एम्बलम. एम्बलम का मतलब होता है बेसिकली अ सिंबल. ठीक है, एक तरह का सिंबल, किसी भी चीज़ का सिंबल उसको एम्बलम कहते हैं. तो हिज इट इज द एम्बलम ऑफ न्यू करियर. मतलब बटरफ्लाई जो है वो इंसान के न्यू करियर का, न्यू करियर मतलब नए शुरुआत का एक तरीके से एम्बलम होता है. ठीक है, और जब एक इंसान की डेथ होती है वो उससे भी, उसके बाद भी ये जो होप है ये वहाँ से छूटता नहीं है, ये हमेशा उसके साथ रहता है, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो हमेशा क्या है, एक फ्री है, कभी भी
कोई इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं है. ही सीक्स हिज होप इन दी ऑफ इमोर्टैलिटी, सिंबल ऑफ लाइफ मी विद सच फेथ इन डाउ. देन पोएट इज सेइंग दैट इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ, ये जो बटरफ्लाई है ये सिंबल है किसका, लाइफ का, एंड मी विद सच फेथ इन डाउ. एंड देन पोएट सेज कि ये जो है बटरफ्लाई ये एक तरह का फेथ लेकर आता है, इट ब्रिंग्स फेथ टू अस. ठीक है, फेथ मतलब बिलीव हमारे लिए लेकर आता है. तो बटरफ्लाई बेसिकली हमारे लिए होप है, होप क्रिएट करता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, हमें फ्यूचर के लिए सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, नई शुरुआत करने के लिए हमें मजबूर करता है. ठीक है, और जो सोल है जब वो विंग्स पे बैठकर बटरफ्लाई के ऊपर जाता है तो वो होप से भर जाता है, एस्पिरेशन से भर जाता है. ठीक है, और इसकी वजह से हमें लाइफ के बारे में हम पॉजिटिव होते हैं और हमें साथ ही साथ बिलीफ मिलता है ताकि हम एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ सकें. तो इन दिस वे द बटरफ्लाई जो है वो पूरी तरीके से एक सिंबल है हमें, हम इंसानों के लिए, कि हम उससे कुछ सीखें कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड थिंग कि हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और फ्री रहना चाहिए इन दिस वे. तो इन दिस वे द पोएम इज़ कम्प्लीट. ओके, बाय.